नीमच जिले के गांव से निकली ये तस्वीरें सेहतमंद होते समाज की नई इबारत है। महिला एवं बाल विकास विभाग, केंद्र और राज्य सरकार की महती योजनाओं को जमीन पर साकार करने की भरसक कोशिशों में जुटा हुआ है। सिमाड़ा गांव की मंजू कुंवर के चेहरे पर खिली ये मुस्कान सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मुहर लगा रही है। 2.5 साल का आयुष जन्म के वक्त सिर्फ 1 किलो 700 ग्राम का ही था। पोषण अभियान की बदौलत उसके जीवन की डोर इस तरह मजबूत हो जाएगी किसी ने न सोचा था। मेरे बेटे की एक माँ मैं हूँ और एक कार्यकर्ता जी है, और इनका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती जो इन्होंने किया। अर्निया गांव के भील परिवार में 11 साल बाद बेटी की किलकारियां गूंजी तो सब खुश हो गए, लेकिन उसके बेहद कुपोषित होने की वजह से सभी के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। आंगनवाड़ी वाली मैडम के वजह से बच्ची जी पाई, नहीं तो मर जाती। इन केंद्रों में बच्चों को THR यानी टेक होम राशन और रेडी टू ईट पोषण आहार दिया जा रहा है। कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनकी सतत मॉनिटरिंग, गृह भेंट और अति गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र NRC भेजा जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका तैयार की गई है। शाला पूर्व शिक्षा के साथ बच्चों में सुपोषण की आदतों के बीज बोए जा रहे हैं। महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगल दिवस मनाया जाता है। इसमें गोद भराई, अन्नप्राशन, जन्म दिवस और किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद पोषण आहार और स्वास्थ्य के प्रति माँ और बच्चों को जागरूक करना होता है। मैं वचन देती हूँ कि मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी और मेरा भी। मैंने ये ठान रखा है कि मेरे गांव में एक भी बच्चा और एक भी गर्भवती माता कुपोषित नहीं रहेगी, और मैं मेरे गाँव को सुपोषण की ओर ले जाना चाहती हूँ। आंगनवाड़ी केंद्रों में जल जीवन मिशन के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के मुताबिक बाल सुलभ शौचालय तैयार किए गए हैं। इन्हीं केंद्रों के जरिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना और लाडली लक्ष्मी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। पहले हमारी ये चिंता थी हमारी प्यारी बेटी को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। अब हमारे शिवराज मामा ने हमारी बिटिया को लाडली लक्ष्मी योजना का जो लाभ दिया है उससे हमारी सारी चिंताएं मुक्त हो गई है। पीड़ित बच्चे के परिवार को कुपोषण दूर करने के लिए जन भागीदारी से पोषण मटका भेंट किया जाता है। समुदाय आधारित इन प्रयासों से सामाजिक ताने बाने की डोर भी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि जो हमारा पोषण अभियान है हम उसको जन आंदोलन बनाएं, और इसके लिए हम लोगों का ये प्रयास है कि हम नियमित इसका फॉलोअप करेंगे और हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारा जिला कुपोषण मुक्त हो जाए। नीमच जिले के 675 गांव में कुल 1112 आंगनवाड़ियां हैं। इनसे 67,708 बच्चे, 5,709 गर्भवती और 7,111 धात्री महिलाएं बतौर हितग्राही लाभान्वित हो रही हैं। 469 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं तैयार की गई हैं। 976 केंद्रों में बाल सुलभ शौचालय बनाए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 44,233 बेटियों और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 27,758 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। साल 2019 में 11,122 अल्प पोषित दुबले पतले बच्चे थे, जिनकी संख्या अब घटकर 6,807 रह गई है। अन्य प्रकार के अल्प पोषित बच्चों की संख्या साल भर पहले 7,327 थी, जो अब घटकर 1,452 रह गई है। बीते 3 सालों में अति कुपोषित 1,941 बच्चों को NRC भेजकर सुपोषित किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गोद लिया है। तो कोशिश ये है कि जो आंगनवाड़ी हमारा एक सेंटर पॉइंट बनेगा जिससे पूरे जिले में कुपोषण मुक्त किया जाए।